ध्रुव कन्या महाविद्यालय में दुल्हन सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की लगभग 50 छात्राओं ने विभिन्न समाजों की परंपराओं से सज धज कर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। शासकीय कन्या महाविद्यालय दुर्ग में 3 दिवसीय आयोजन में आज विभिन्न प्रतियोगिताओं के तहत दुल्हन सज्जा का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने विभिन्न प्रांतों की वधुओं का प्रदर्शन किया। इसको लेकर प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद तिवारी ने बताया कि कोविड काल के बाद विभिन्न कलाओं की प्रतियोगिताएं कराई जा रही है, जिसमे छात्राएं अत्यंत उत्साह से भाग ले रही है, जो कि यह दर्शा रहा है कि अब वह सामान्य जीवन की ओर लौट रही हैं। वहीं कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर रेशमा लाकेश ने बताया कि विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार है और युवतियों के लिए तो यह अत्यंत विशेष होता है। इसके लिए वो अनेक योजनाएं और तैयारियां करती हैं। इस अवसर पर कॉलेज की लगभग 50 छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर दुल्हन की वेशभूषा में सज धज कर जजों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाई। इस संबंध में कॉलेज की प्राचार्य व कार्यक्रम प्रभारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज लगभग 50 छात्राओं ने इस दुल्हन सज्जा कार्य प्रतियोगिता में भाग लिया है और हम देख रहे हैं कि उनके अंदर कितना जोश है। बीच में कोविड काल के कारण इस तरह की प्रतियोगिताएं बिल्कुल नहीं हुई थी और छात्राओं को वापस एक सामान्य जीवन की ओर लौटाने के उद्देश्य से, उनके अंदर पुनः एक उत्साह जगाने के उद्देश्य से इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। और न सिर्फ ये, बल्कि हम साल भर भी इनको लगातार प्रशिक्षण देते हैं, पाक कला का, केश सज्जा का, मेकअप, ड्रेस डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, रंगोली, ऐसी तमाम जो कौशल होते हैं, कलाएं होती हैं, उनको छात्राओं को उसके लिए हम तैयार करते हैं। तो ये जो एक मेरा ये मानना है कि विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसके लिए सभी उत्साहित रहते हैं, लेकिन जो युवतियां होती हैं उनके लिए एक विशेष दिन होता है जिसके लिए वो बहुत योजनाएँ बनाती हैं, तैयारियाँ करती हैं। और आज हम देख रहे हैं कि वो लोग खुद किस तरह से तैयार होकर आज यहाँ आई हैं, तो उनसे न सिर्फ उनको उनकी सजावट देखी जा रही है बल्कि उनसे जानकारी भी ली जा रही है, उनका थोड़ा सा जीके भी चेक किया जा रहा है कि वो उनका किस तरह के उनको ज्वेलरी पहननी है, किस तरह की ड्रेसेस पहननी है। इसके बारे में ये वार्षिक उत्सव के अंतर्गत बहुत सारी साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हम लोग आयोजित कर रहे हैं और आज ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का दूसरा दिन था और आज जूड़ा सजाओ प्रतियोगिता, वेस्ट से बेस्ट बनाओ तथा दुल्हन सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की गई। अभी जो आपने देखा कि दुल्हन सज्जा प्रतियोगिता में हमारी छात्राओं ने विभिन्न प्रांतों की संस्कृति को उभारा है और इससे एक प्रकार से जहां हम अपनी संस्कृति सभ्यता को भी पहचान बनती है और साथ साथ उनका उत्साह भी झलकता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये प्रतियोगिताएँ उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए आयोजित की जा रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।